आज के कार्यक्रम के आयोजक हम सभी के बुजुर्ग राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष माननीय राजा राम जी मील साहब, उपस्थित टिकैत साहब, सम्मानित मंच विजय पुनिया साहब, सभी विधायकगण, दूर दराज से पधारी सभी सरदारी पत्रकार बंधुओं, माता और बहनों और युवा साथियों, जैसा कि अभी बताया गया, मेरे बाबा साहब ने 100 साल पहले ही अजमेर में पुष्कर में महाकुंभ किया था। आज मैं मिल साहब को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना भव्य आयोजन किया हुई। अरे जरा शांति से सुन ले भाई साहब। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कृपया शांति बनाए रखें। जब कुम्हेर राजधानी थी उसके बाद डीग हुई और लास्ट में भरतपुर हुई। पत्र लिखा कि मैं सूरजमल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं तुमको आके तुमको खत्म कर दूंगा और तुम्हारी पूरी रियासत को खत्म कर दूंगा। महाराजा सूरजमल ने जवाब दिया, माननीय कौन नटवर सिंह जी तो विदेश, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, उनकी किताब पढ़ें आप और भी इतिहासकारों की किताब पढ़ें। उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया, क्यों जहां पर ना आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अगर आप वो जैसे गरीब किसान को पराजित कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा उल्टी हुई गिरिराज जी की और मैंने आपको पराजित कर दिया तो उसका क्या परिणाम होगा। इसी बात पर अहमद शाह अब्दाली ने उनको नौता दिया कि आप मुझसे आकर मिलिए, और उनको पहले थे केवल राजा सूरजमल, उनको कहा आप हमारे एरिया में दखलंदाजी ना दें, हम आपके एरिया में दखलंदाजी ना देंगे, और उनसे संधि करी और उनका महाराजा ब्रजेंद्र सवाई का टाइटल दिलाया, जो हिंदुस्तान में और किसी के पास नहीं है। सवाई के टाइटल राजस्थान में 3 पे हैं, पूर्व अलवर रियासत, पूर्व भरतपुर रियासत और पूर्व जयपुर रियासत, लेकिन ब्रजेंद्र महाराजा ब्रजेंद्र सवाई का किसी पे नहीं है, ब्रजेंद्र यानी ब्रज के राजा। तो ये तो कुछ इतिहास की बातें थी। और हमारे यहाँ एक चीज और हुई है, पूरे वंश में कहीं भी और राजवंशों में गोद लिए गए, हमारे यहाँ डायरेक्ट लाइन चढ़ी आ रही है, 14वीं पीढ़ी आपके सामने खड़ी है। मैं अब थोड़ा समाज के बारे में बात कर लूं। दारा सिंह जी साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उससे पहले 8 साल मैं भारतीय जाट महासभा, अखिल जाट महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, और मैंने जगह जगह टूर किए, और उसमें मैंने उस समय जो हमारे समाज में कुरीतियां थी उनके बारे में चर्चा की। और ये मैं खुले रूप से कह देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ जैसे दहेज प्रथा है या मृत्यु भोज है, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो वो हरियाणा की जनता ने दिया। हमारे यहाँ तो अभी भी चलता है, लेकिन इसमें अपन को सुधार करना पड़ेगा। यहाँ टिकैत साहब विराजे हैं, जब मंडल आयोग लागू हो रहा था तो आपके स्वर्गीय पिताजी माननीय टिकैत साहब, महेंद्र सिंह जी साहब टिकैत, मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, अकेला जाट था जिसने इस्तीफा दिया लोकसभा से 26 साल की उम्र में, ये 90 की बात है। टिकैत साहब ने और हमने मिलकर आंदोलन किए बहुत बड़े बड़े, आपने सिसौली में मीटिंग भी कराई जिसमें 1.5 लाख से ऊपर आदमी थे, और अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। मुझे शर्म नहीं है कि मैं समाज के प्रोग्राम में आने से, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मील साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया।
और मैं सभी से कहने देना चाहूंगा, जहां समाज की बात है वहां हमेशा अग्रसर रहूंगा, आपसे आगे दिखूंगा समाज के फायदे के लिए। भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, सेंटर में अभी भी नहीं दिया है, उसके लिए आंदोलन किया 3 साल पहले और पांच साल पहले, और 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन करा के भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाया ओबीसी ने। तो आप निश्चिंत रहें। देखो, एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है, बहुत सों को अच्छा लगा, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगा। हमारा समाज क्यों पिछड़ रहा है? हम ईर्ष्या में ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रतिस्पर्धा में नहीं करते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमारे समाज की ये कमजोरी है, इसको जब तक दूर नहीं करोगे आप, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाज की एकता रखो और सब तरह की शक्ति लाओ, राजनीतिक शक्ति लाओ, सामाजिक शक्ति लाओ, एकत्रित हो और जागृति लाएं। आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारी तरफ कहावत है भरतपुर में कि जाट को मारे जाट या मारे करतार, तो करतार कोई मारने दो, आपस में मत लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तालियां तालियां तालियां। धन्यवाद धन्यवाद महाराजा विश्वेंद्र। हम जाट आज दुनिया के हर कोने में अलग अलग कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। जंग का जवान हो, खेत का किसान हो, खेल का मैदान हो, आज जाट समाज को बच्चे हर जगह नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और हम इसे आगे भी ऐसे बनाए रखें, अपनी समाज की एकता का प्रतीक हम बने। अब हम आगे स्वागत के रूप में हमारे बीच में भक्त श्रोमणि श्री धन्ना जी महाराज की पीठ के आचार्य स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज का पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है। बोले धन्ना भगत जी महाराज की। मैं आदरणीय भील साहब से प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री का शॉल ओढ़ाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज का अभिनंदन स्वागत।